विश सब हेल्दी एंड हैप्पी एंड सेफ है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हो, चैनल पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज स्वाति, थैंक यू सो मच इस व्लॉग पे क्लिक करने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए और खुश रहिए। अभी तक आप दीपावली मना चुके होंगे जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबकी दिवाली कैसी रही है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है। एंड आई एम सॉरी मैंने कल का दिन ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वो आज डालना पड़ेगा और आज दिवाली आप लोग एंजॉय करोगे। सो दैट्स वाई मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई और ना अपलोड की। बट कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छे से मैंने अपने आप को पैम्पर किया। लाइक मैंने हैंड्स वगैरह मैनीक्योर, घर पे मैनीक्योर किया, नेल पेंट वगैरह चेंज की, क्यूटिकल्स काटे, तो आज हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड अभी भी सर में तेल लगा हुआ है क्योंकि आज हेयर वॉश करने हैं। सो या दिवाली फाइनली आ गई, जिसके लिए हम इतनी सफाई करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। तो लेट्स सी कि मेरी दिवाली कैसी जाती है। एंड स्टार्ट करते हैं दिन। हैप्पी दिवाली। लुक एट माई कंडीशन। और लोग ना इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाते हैं हैप्पी दिवाली मॉर्निंग वाइज नए नए अटायर पहन के। यार किसी के घर में कोई काम नहीं होता है क्या? लाइक मेरे घर में तो अब काम शुरू हो रहा है। जो घर में थोड़ा बहुत कुछ कुछ बनाते हैं ना, वो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो हमारा मॉर्निंग और इवनिंग तक ऐसे ही रहता है सब कुछ, लेकिन किसी के घर काम नहीं होता है क्या? बट चलो छोड़ो, यही ज़िंदगी है हमारी। बट बेडशीट्स न्यू दिवाली पे ना बिछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो आई लव दिस बेडशीट। और इसके साथ ये पिलो कवर हॉल में भी पूरा सेट बिछाई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली दिवाली पे ही सबके घर नए बेडशीट्स निकलती हैं। ये एक ऐसा लगता है कि परंपरा है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके घर भी दिवाली के दिन ही नए बेडशीट वगैरह निकलते हैं क्या। एंड चलें काम करते हैं। हैप्पी दिवाली। मैं हूँ अपने हॉल में और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ खुरमे बनाना और न्यू बेडशीट हॉल में, न्यू सोफ़ा कवर। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं दिवाली प्रिपरेशन, दिवाली के दिन तक प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट। सॉरी फॉर द लाइटिंग। खुरमे मैंने बना लिया, अब मैं यहाँ बना रही हूँ पपड़ी। और बहुत छोटी छोटी मैदे की पपड़ी बनती है तो वो गोल नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, इंडियन जुगाड़। और पापा इसको फ्राई कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, दीदी नीचे गोबर लीपने गई है, भाई ऊपर सीरीज लगा रहा है। सब दिवाली के काम में बिजी। सिर्फ फ्री है तो ऑली और कोई नहीं। अब मैं जल्दी से पपड़ी बेल लेती हूँ और फिर अभी माला भी बनने के रखी है, फूल सारे ला के रखे हुए हैं, सो वो भी करना है। सो वो बन चुका है, ये अभी प्रोसेस में है। यहाँ पे इतना बन चुका है और जो खुरमे हैं वो मम्मी फ्राई कर रही हैं, अभी पापा नहाने गए हैं। और अभी भी इतना मैदा बचा हुआ है, इसको और बनाते हैं। और पहले वो मैं मम्मी को दे देती ताकि मम्मी वो भी डाल सके फ्राई के लिए। सो क्या और सो आई एम फाइनली डन विद द खुरमे पपड़ी। और लुक एट माई कंडीशन, मतलब आप देख सकते हो अभी 12:30 हो रहा है। तो फॉर माय दिवाली आउटफिट मैंने एक बहुत ही प्लेन सा सिंपल सा सूट जो है वो मैंने स्टिचिंग के लिए डाला हुआ था, वो दीदी लेके आई थी किसी को शायद देने के लिए और वो मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने कहा मैं इसको सिलवा लेती हूँ। तो अब वो आउटफिट ऐसा है कि
वही सबसे न्यू है जो अभी सिलने के लिए डला हुआ है, तो मैंने सोचा वाई नॉट वही पहन लेते हैं दिवाली पे। तो अभी मुझे उसको उठाने जाना है, बट अभी मुझे ब्रेक मिला है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि फूलों की माला बना देती हूँ क्योंकि उस पर भी टाइम लगेगा अच्छा खासा, तो वो बनानी है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं जाती हूँ अपना आउटफिट उठा के लेके आती हूँ, और उसके बाद हम फूलों की माला बनाएंगे। तो शाम तक काम ही चलना है, एंड लेट सी शाम को हम कब फ्री होते हैं। सो रेस्ट लेने के बाद फिर मैं जा रही हूँ अपना सूट उठाने और दीदी का एक सूट डालने, और ये सूपड़ा नीचे क्योंकि कचरा उठाने घर के पास में ही जाना है, इसलिए मैंने चेंज वेंज नहीं किया, जस्ट मास्क पहना है। और चलते हैं, ड्रेस उठा के लाते हैं और कचरा का समेटना है, कचरा समेटना है। Got my suit. Let's go back. अभी की अपडेट सबसे पहले ना, तो आप मेरे ये लुक जो है ना, जो भी मैं अब ब्लॉग में दिखेगा उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बाल वाला चीज़ बनाऊँ और तेल लगाया हुआ है तो बाल सो मैं अपना सूट लेके आ गई हूँ, और अभी बज रहा है 1:15 और आई एम हैविंग माई लंच, और आज लंच में है गोभी की सब्जी और पुलाव। ट्रस्ट मी गाइस, ठंड में ना ये मेरा फेवरेट खाना है। 1 सेकेंड, आई थिंक ब्लर हो रहा है, अब ठीक है, अब ज़्यादा ख़राब मुँह दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ठंड में सबसे फेवरेट डिश है ये मेरी पुलाव, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि मुझे ठंड में मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सारी वेजेस होती हैं, तो इसमें बीन्स और शिमला मिर्च और इसमें गाजर सब कुछ डला हुआ है। सो अभी मटर आने वाली है, मटर आएगी उसके बाद इसके और भी मज़े आएंगे, तो ये मेरी फेवरेट है। तो अभी मैं इसको इन्जॉय करती हूँ, और इसके बाद हमें बनानी है फूलों की माला जो पूरे घर में लगेगी, सो वो बनाएंगे, बट पहले लंच कर लेते हैं इत्मीनान से। हाय हाय हाय, दिवाली के दिन को इतना गंदा दिखता है क्या, मतलब। सो फूलों की माला तो बन चुकी है, दीदी और भाई नीचे वाले फ्लोर पे टांगने के लिए गए हुए हैं। मैंने अभी जस्ट ये सिर्फ पत्तों की माला बनाई है, और अभी मैं वापस ये वाली माला बना रही हूँ, ये लास्ट है। सुबह से मैं सिर्फ बैठने वाला काम कर रही हूँ, तो मेरी बैक हर्ट कर रही है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, बट जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। और मुझे हेयर वॉश भी करने हैं, मैंने चाहिए कि मैं शाम को हेयर वॉश करूँ, लेकिन मुझे करना शाम को ही पड़ेगा, तो मैं इसको फिनिश करती हूँ, फिर देखती हूँ कोई काम है, नहीं तो फिर नहाना है, बट सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं और फिर आगे आई विल अपडेट यू। हे गाइस, सी द व्यू। अभी भाई ने यहाँ पे, ये हमारे सबसे ऊपर, इसको हम टावर कहते हैं, यहाँ पे सारी सीरीज लगाई है, और यू नो वॉट कि जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है इसके पीछे, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो।
और ये ना जब भाई ये सीरीज लगाने आया था सुबह इसको काटा था सुबह इसको काटा था यहाँ पे, और इसने अभी मुझे बुलाया है, वहाँ पे इतनी मधुमक्खियाँ, मुझे तो डर लग रहा है। बट सन देखिए, और रात में ये और भी सुंदर लगेगा क्योंकि सबकी लाइट चल रही होंगी, सबने दिए लगाए होंगे, तो ये बहुत सुंदर लग रहा होगा। अगर रात में मैं छत पे आई, यहाँ पे आई, तो मैं दिखाऊंगी। वैसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे छत्ता है, बट अगर रात में आई या छत पे आई तो मैं आपको ऊपर का व्यू दूंगी कि कैसा दिख रहा है। लग इट दैट कितने प्यारे गुलाब खिले हैं आज। एक ये है, एक ये है, ये वाला तो पुराना हो गया तो ये झड़ रहा है, बट कितने सुंदर। और ये देखिए बैगन, बट ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बाय भाई, अगर काटे तो मुझे आवाज मत देना, ठीक है? बाय। हे गाइस, आई एम रेडी, और बाल अभी भी गीले हैं, बहुत लेट नहाया था, अभी बच रहे हैं 8 और पूजा की तैयारी हो रही है, तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया, जो मैं अभी सूट सिलवा के लाई थी, जो सुबह मैं लेने गई थी, वो उसका दुपट्टा नहीं मिला, हम लोगों ने बहुत ढूंढा, तो उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास एक ये कुर्ता है जो हम नया लाए थे, मैंने आपको एक दिन ब्लॉग में दिखाया था, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। सो अभी मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी, मेकअप दिखाऊंगी, और ये जो मेकअप है इसकी मैंने रील बनाई है, तो अभी तक इंस्टाग्राम पर डल चुकी होगी। सब रेडी हो चुके हैं, पापा नहाने गए, बट अभी मंदिर थोड़ा सा सज रहा है, मंदिर का भी आपको लुक दूंगी, और उसके अलावा आपको अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। हियर्स द डेकोरेशन जो मंदिर की है, और ये जो आप देख रहे हो ये रियल फ्लावर की है, ये दीदी ने बनाई है, और ये बहुत सुंदर लग रही है। सो दिवाली हो और मिठाइयाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सबको दीपावली की आरती। पूरा दिन दिवाली दिवाली करते करते अभी 9:30 बजे हम लोग फ्री हो पाए हैं, और आप पीछे देख सकते हो पूरी झालर लगी हुई है। अब हम जा रहे हैं नीचे दिए रखने, दीदी यहाँ दिए की थाली वो कर रही है। अब हम जा रहे हैं, आउटफिट भी हम नहीं दिखा पाए, अब हम रिटर्न आके ही सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं नीचे दिए रखने। गाइस, मैंने फूलों की रंगोली डाली है, कैमरे में उतनी अच्छी दिख भी नहीं रही, ये इतना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे लिखा है शुभ और लाभ। दीदी की रंगोली नीचे है, दीदी ने नीचे बनाई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी नीचे जाके, बट ये फूलों की मैंने बनाई है। नहीं पता था कि आपने यहाँ पे भी रंगोली डाली है। ये है हमारा बीच वाला फ्लोर जहाँ पे, और सबसे अच्छा हॉल लग रहा है लाइटिंग की वजह से। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ये वाली सीरीज लगाई है, और अभी हम जा रहे हैं बाहर दिए रखने। लेट्स गो। ये है दीदी की रंगोली, गणपति जी बने हुए हैं, अब इसमें हम दिया रखेंगे। That's how my house look like. Oh my God! It's 11:15 right now. अब हम ऊपर जा रहे हैं वापस, बम बम सब फोड़ के। और एक सेकेंड, मैंने ब्लॉग ही नहीं किया आज ज़्यादा, सो अभी हम जा रहे हैं, पिक्स वगैरह कुछ भी क्लिक नहीं कराई है, तो अब जाके पिक्स क्लिक करवाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। ऑलरेडी 11:15 हो चुका है, सो चलते हैं और पिक्स क्लिक कराते हैं। मेरी बैक बहुत हर्ट कर रही है। गाइज, राइट नाउ इट्स 12, और दिवाली 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 इतना वो होता है कि सफाई करनी है, काम करना है, और अब 12 बज रहे हैं, और एक घंटे भी ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। अभी फ़ोटोज़ वोटोज़ लेके फ्री हुए हैं, और आज दीदी और मेरा दोनों का मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ है, बाय गॉड, हम लोग ने ये चीज़ बड़े अच्छे से किया। दीदी बहुत सुंदर लग रही है, मैंने मेकअप किया है।
लेकिन आदिति सुंदर, आदिति बहुत सुंदर लग रही है रोज। मैं इतनी सारे सबका कहना और तेरा कहना ऐसा है कि रोज में अच्छी नहीं लगती। ये बात सच है, रोज में अच्छे से रहती नहीं हूँ। सो आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन, ये कुर्ता ऑलरेडी मैं ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, नीचे लेगिंग, और मैंने इस पे डाला था ये पिंक दुपट्टा जो अभी मैंने निकाल दिया है। दीदी ने पहना ये कोसा सिल्क का सूट, और ये सूट दीदी के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ब्राउन सा कलर है, इसका कोका कोला कलर, कोका कोला कलर है। नीचे पैंट्स है और ये सूट बहुत अच्छा है। दीदी तो अच्छा गई, मतलब मुझे आई थिंक बस एक ही चीज अच्छी लगी, इसका दुपट्टा इतना लंबा है, मतलब आप इसको वन साइडेड इरिटेट भी करते हैं। हाँ बट मेकअप तो इतना सुंदर तो आ ही नहीं रहा है। मैं ऐसे दिखाती हूँ बैक कैमरे में, मिरर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सुन बहुत अच्छा मेकअप हुआ है आज का, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे पहले पापा बुलाएं, खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो, कट करते हैं, एंडिंग बाद में करेंगे, आउट्रो बाद में देंगे, चेंज वेंज करते हैं, थक गए हैं सुबह से काम काम काम। और साला दिवाली, आपकी भी दिवाली ऐसी जाती है या आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाती है? बहुत अच्छी जाती है तो हमारी भी गई अच्छी गई, लेकिन सुबह से बिजी रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता दिवाली दिवाली, हर रोज का एक महीने पहले से दिवाली है दिवाली है दिवाली, और ज़्यादा दिवाली ऐसे जाती है पता ही नहीं चलती। और गाइस अगर आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, आप लोग सुबह से इन्जॉय करते तो कॉमेंट में मत बताना, हमारे जैसी जाती तो प्लीज़ बताना, सहयोग मिलेगा। चलो अब चलें खाना खाने, फिर खाना खाने के बाद मिलते कल। क्या है कल कुछ है ना, गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है। इंडियन फेस्टिवल कोई भी एक दिन में खत्म नहीं होता, इवन राखी जन्माष्टमी तक पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। गाइस बाय। राइट नाउ इट्स 12:35, दैट्स इट फॉर दिवाली व्लॉग। फाइनली दिवाली एंड हुई और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, और अब मैं चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद बर्तन धोने हैं, बर्तन धोऊँगी और फिर अब शरीर को थोड़ा सा आराम देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और आई विश कि ये दिवाली आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिली हों और आपकी सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। सो या बाय।